अशरफ साहब ने खामोशी से मुझे चाय बना कर दी। मैं ज़रूरी तरमीम के साथ मुख्तसर अल्फाज से अपने हालात इन्हें सुनाकर मुतमईन कर चुका था। मैंने इन्हें यह भी समझा दिया था कि फ़िलहाल किसी मुसलहत के तहत मैं नहीं चाहता कि इंस्पेक्टर फरमान को मेरे बारे में बताया जाए। मैंने अपनी गुफ्तगू से ऐसा तासुर नहीं दिया गोया इस बात का ताल्लुक तबिंदा की सलामती के मामले से है। अशरफ साहब ने तवक्का के मुताबिक मुझे भरपूर तावन का यकीन दिलाया। मैं चाय पीते हुए सोच रहा था क्या मुझे क्या कदम उठाना चाहिए। अब तक कोई ऐसी वैसी बात मेरे जहन में नहीं आ सकी थी कि मैं किसी के इलम में लाए बगैर और मज़ीद खतरात को दावत दिए बगैर ताबिंदा से मिल सकता। बहुत सोच विचार के बाद कोई भी मुनासिब तदबीर मेरे जहन में नहीं आ सकी। मैं इस वक्त ख़ुद को इंतहाई बेबस महसूस कर रहा था। हालात का शिकंजा मेरे गिर्द बहुत तंग हो गया था। कुछ मुसलहतें आड़ में आ रही थीं वरना मैं सोच विचार के बजाय अमल कर गुजरने का आदी था। सिर्फ एक ही तरीका मेरी समझ में आ रहा था जिस पर अमल करने से कामयाबी की कुछ ज़्यादा उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी और ख़तरा भी बहुत ज़्यादा था, मगर मैंने चांस लेने का फ़ैसला कर लिया। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। अशरफ साहब खामोशी से चाय पी रहे थे। मैंने इनके चेहरे पर नज़र डाली तो महसूस हुआ कि वो अपनी सोचों में उलझे हुए थे। चेहरे पर गहरी उदासी और पेशानी पर तफक्कुर की लकीरें थीं। अशरफ साहब, मैंने उन्हें मुखातिब किया तो वो मेरी जानी मुतवज्जा हो गए। मैं तहरीमी का एक ठिकाना जानता हूँ जहाँ मुझे रखा गया था। मुझे उम्मीद है कि आपकी बेटी भी वहीं पर होगी। अपनी बात शुरू करने से पहले मैंने इनकी ढारस बंधाने और मदद करने का फ़ैसला किया। उन्होंने उदासी से सर हिला दिया। इंस्पेक्टर फरमान अब तक तहरीमी के सारे ठिकानों पर छापे मार चुके हैं, लेकिन इस खुफिया जगह तक इनकी रसाई नहीं हो पाई होगी। मैंने इनकी बात काट कर KDMA स्कीम नंबर 1 में वाक़ तहरीमी की आलीशान कोठी में खुफिया तहखाना है जिसके अंदर आने और बाहर जाने के लिए कोई खुफिया मैकेनिज्म है। मैं इस मैकेनिज्म के बारे में कोई अंदाज़ा इसलिए नहीं लगा सका कि मुझे बेहोशी की हालत में वहाँ पहुँचाया गया और बाहर निकलते वक्त मेरी आंखों पर पट्टी थी। आप जानते हैं इंस्पेक्टर साहब को खसूसी तौर पर यह बात बताएंगे तो इनकी खसूसी माहरीन पर मुश्तमिल टीम तहखाने का रास्ता ढूंढ निकालेंगे। मुझे यकीन है कि आपकी बेटी वहीं से बरामद होगी। खुदा करे, खुदा आपकी ज़ुबान मुबारक करे, वो जज्बात की शिद्दत से लरसती हुई आवाज़ में बोले। इनके चेहरे पर उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी। लेकिन ये काम आप मेरे यहाँ से जाने के बाद करेंगे, मैंने कहा। मैं बस कुछ ही देर में यहाँ से रवाना हो जाऊँगा, ज़रा देर और मुझे बर्दाश्त करना होगा। वो कहने लगे, कैसी बातें करते हैं सर, आपके लिए जान भी हाजिर है। मैंने वॉल क्लॉक की तरफ देखा, 7:15 बज रहे थे। आपको कुछ अंदाज़ा है कि इंस्पेक्टर फरमान आजकल किस वक्त तक घर से निकल जाते हैं, मैंने अशरफ साहब से पूछा। वो कहने लगे, इंस्पेक्टर साहब तो आजकल घर जाने की फुर्सत में ही नहीं है, वो 24 घंटे ड्यूटी पर हैं। 2-3 रोज़ के बाद सिर्फ 1-2 घंटे के लिए घर जाते हैं। पहले आपकी गुमशुदगी का मसला दरपेश, इसके साथ साथ उन्हें रॉक एजेंटों से भी निबड़ना पड़ा और अब मेरी बेटी की बाजियाबी की जिम्मेदारी भी उन्होंने अपने सर ले ली है। रॉक एजेंटों के जिक्र पर मुझे बेला का ख्याल आया जो पाकिस्तान आई हुई थी और ताबिंदा ने इंस्पेक्टर फरमान के तवसुत से बेला और इसके साथियों को पकड़वाने का बाकायदा प्रोग्राम बनाया था जिसमें मैंने भी इनका साथ दिया था। इंस्पेक्टर फरमान बेला और इसके साथियों की सरगर्मियों पर मुसलसल नज़र रखे हुए थे। वो इन्हें किसी अहम मौके पर एक साथ पकड़ना चाहते थे। अभी मामला यही तक पहुंचा था कि रज़िया ने ताबिंदा की और मेरे निकाह के फौरन बाद तहरीमी की मदद से मुझे अपने साथ चलने पर मजबूर कर दिया था। मैंने अशरफ साहब से सवाल किया, क्या रॉक एजेंट बेला और इसके साथी गिरफ्तार हो गए। वो कहने लगे, मुझे ज़्यादा तफसील तो मालूम नहीं, लेकिन इतना ज़रूर मालूम है कि वो लड़की बेला और सेठ रमज़ान करेंसी वाला फरार होने में कामयाब हो गए थे। अलबत्ता इनके कई साथी बमा सबूतों के गिरफ्तार हो गए थे। सेठ रमज़ान के तवसुत से बेला एक अहम आला सरकारी अफसर से हमारे मुल्क के कुछ दफाई राज मालूम करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि इंस्पेक्टर फरमान की बरवक्त मुदाखलत से वो कोई अहम दस्तावेज़ या तहरीरी मवाद साथ ले जाने में कामयाब नहीं हो सकी। बेला के निकल जाने की खबर सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। हर मरतबा मुल्क को कोई बड़ा नुकसान पहुँचाने के बाद वो बचकर निकल जाती थी, क्योंकि यहाँ इसकी मदद करने वाले सेठ रमज़ान करेंसी वाला जैसे गद्दार और बाअसर लोग जो मौजूद थे। बहरहाल इस वक्त तो मैं अफसोस करने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। इस वक्त मैं खुद अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। मेरा ज़्यादा देर यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं था। रज़िया तहरीमी के पालतू गुंडों के साथ किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकती थी। मैंने अशरफ साहब से कहा, आपको मेरी एक और मदद करनी होगी।
वो बोले, हुक्म करें। मैंने कहा, आप इंस्पेक्टर फरमान के घर फ़ोन करके मालूम करें कि वो घर पर मौजूद हैं या नहीं। अगर वह मौजूद हों तो आप इनसे अपने मुतल्लिक कोई बात करके फ़ोन बंद कर दें, और अगर वह मौजूद ना हों तो आप रिसीवर मुझे दे दीजिएगा। उन्होंने बिला तामल कोई सवाल किए बगैर साइड में रखे हुए फ़ोन पर नंबर मिलाया। मैं सांस रोके बैठा था और मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने इंस्पेक्टर फरमान के बारे में पूछने के बाद रिसीवर मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने रिसीवर कान से लगाया और बात की तो मालूम हुआ कि दूसरी तरफ इंस्पेक्टर फरमान की बेगम है। मैंने बमुश्किल तमाम अपने हवास यकजा करके कहा, तहमीना बाबी, मैं नज़ीर मोहम्मद बात कर रहा हूँ, ताबिंदा का शौहर। दूसरी तरफ से इनकी हैरत में डूबी हुई आवाज़ सुनाई दी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं नज़ीर भाई? मैंने जवाब दिया, मैं अशरफ साहब के घर से बात कर रहा हूँ, आप प्लीज़ फौरी तौर पर मुझे ताबिंदा का पता या फ़ोन नंबर बताएं। चलमों की खामोशी के बाद उन्होंने कहा, आप फरमान से कांटेक्ट कर लें, वही आपको गाइड करेंगे। मैंने लजाजत से कहा, भाभी, इस वक्त एक एक लम्हा कीमती है, आप इसका फ़ोन नंबर ही बता दीजिए। प्लीज़ फरमान भाई से मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा, इस वक्त सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मेरे अंदाज से शायद वो पसीज गई। चल लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद उन्होंने कहा, अच्छा नंबर नोट करो। मैं टेलीफोन सेट के करीब एक पैड और पेन रखा हुआ देख चुका था। जल्दी से मैंने नंबर नोट कर लिया और शुक्रिया अदा करके फ़ोन बंद कर दिया। इसके बाद फ़ौरन ही मैंने वो नंबर डायल किया। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बिलाशुबा वो ताबिंदा की आवाज़ थी। इसी ने रिसीवर उठाकर हेलो कहा था। हेलो ताबिंदा, मैंने जल्दी से कहा, ये मैं हूँ। कौन? नाजी, इसकी हैजान ज़्यादा सी आवाज़ सुनाई दी। तुम कहाँ हो, कैसे हो? मैंने कहा, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। देखो, इस वक्त ज़्यादा लंबी बात नहीं हो सकती, क्या तुम इस वक्त किसी को बताए बगैर फौरी तौर पर वहाँ से निकल सकती हो, या इंस्पेक्टर फरमान से इजाज़त लेना ज़रूरी है? वो कहने लगी, नहीं, फरमान को कुछ बताने का ख़तरा मोल नहीं लिया जा सकता, वो तुम्हारी तरफ से मशकूक हो चुका है। मैं कोई बहाना बना कर निकलती हूँ, लेकिन आना कहाँ है? मैंने कहा, मैं जल्द से जल्द ड्यूटी फ्री शॉप के सामने पहुँच कर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। अगर तुम पहले पहुँच जाओ तो तुम वहाँ मेरा इंतज़ार करना। मेरा ख्याल है हम फौरी तौर पर यह शहर छोड़ देंगे, इसके बाद आगे सोचेंगे। ताबिंदा से बात ख़त्म करने के बाद मैं फ़ौरन उठ खड़ा हुआ, अशरफ साहब को खुदा हाफिज़ कहकर जल्दी से बाहर निकला। कुछ ही दूर जाने पर मुझे टैक्सी मिल गई। रास्ते भर मैं ताबिंदा की बखैर वाफियत वहाँ से निकलने की दुआ करता रहा। मेरा इरादा था कि हम सीधे एयरपोर्ट जाकर लाहौर के अलावा किसी भी दूसरे शहर जाने वाली फ़्लाइट पकड़ लेंगे। वहाँ पहुँच के ताबिंदा अपने असर व रसूख और पैसे की बदौलत मुल्क से बाहर जाने का इंतज़ाम कर लेगी और हम किसी दूसरे मुल्क निकल जाएंगे। मुझसे शादी का फ़ैसला करने के बाद ताबिंदा ख़ुद भी ऐसा इरादा जाहिर कर चुकी थी। मुकर्रा जगह पहुँचने के बाद मैंने टैक्सी रुकवा ली और टैक्सी के अंदर ही बैठ रहा। ताबिंदा अभी नहीं पहुँची थी। चंद मिनट के इंतज़ार के बाद ताबिंदा एक टैक्सी से उतरी। इसने मुझे देख लिया था। किराया अदा करके वो सीधी मेरी टैक्सी की तरफ आई। मैं बेहिसो हरकत बैठा इसकी तरफ देख रहा था। वो काफ़ी कमज़ोर लग रही थी और चेहरे से सुर्खी की बजाय जर्दी झलक रही थी। वो दरवाज़ा खोल कर मेरे बराबर बैठ गई। दफतन न जाने किस तरफ से एक वैन नमूदार हुई और हमारी टैक्सी के आगे तिरछी खड़ी हो गई। वैन का दरवाज़ा खुला और दो आदमी रिवॉल्वर हाथ में लिए बाहर निकले। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने टैक्सी का दरवाज़ा खोलकर मुझे और ताबिंदा को बाहर घसीट लिया और खींच कर वैन की तरफ ले गए। अंदर रज़िया एक सीट पर बैठी हुई थी। इसके होंठों पर एक जहरीली सी मुस्कुराहट थी। यकायक मेरा दिमाग घूम सा गया। तुम ये समझ गए थे कि तुम मुझे झांसा देकर बड़ी आसानी से फरार हो जाओगे? तुम बहुत भोले हो ना जी, तुमने अभी तक मुझे समझा नहीं। बहरहाल कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से समझा दूँगी कि मैं क्या हूँ। अब तुम अच्छे बच्चों की तरह अपनी स्लाडली को लेकर अंदर आ जाओ, और हाँ, अगर इस मरतबा किसी चालाकी का मुजाहिरा करने की कोशिश की तो अपनी इस लाडली बीवी के साथ बिला ताखीर आलम आखिरत को रवाना कर दिए जाओगे। ये जो तुम्हारे पीछे दो आदमी खड़े हैं, इन्हें तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है, वो बड़े जहरीले अंदाज में बोल रही थी। इतनी सफा की मैंने इससे कबल रज़िया के लहजे में कभी महसूस नहीं की थी। वो एक बदली हुई औरत लग रही थी, एक ऐसी जहरीली नागिन जो अपने शिकार को डस लेने के लिए हर लम्हा तैयार, फन फैलाए मौके की ताक में हो। मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सिरायत करती हुई महसूस हुई। ताबिंदा मेरे साथ थी और दो सफाक कातिल हमारी पुश्त पर हाथों में रिवॉल्वर लिए हर लहजा हमें मौत के घाट उतार देने के लिए तैयार खड़े थे। ऐसे मौके पर ज़रा सी गफलत भी हमारी जिंदगियों का खात्मा कर देने के लिए काफ़ी होती। मुझे अपनी ज़िंदगी की कोई ऐसी परवाह भी नहीं थी। मेरी तो सारी ज़िंदगी मौत के साथ आँख मचोली खेलते हुए गुजरी थी। मेरे जैसे लोग तो हर वक्त मौत को गले लगाने के लिए तैयार रहते हैं।
लेकिन ताबिंदा एक ऐसी हस्ती थी जिसने मेरे सामने ज़िंदगी का एक नया रुख पेश किया था, जिसने मेरे दिल में दूसरों के लिए ज़िंदा रहने की एक नई उमंग को जन्म दिया था। इसने मेरी खातिर हर किस्म के तमाम खतरात को कबूल किया था। इसने मेरे साथ शादी की थी और अपनी चाहतों और उमंगों भरी पहली रात में ही मुझसे जुदा कर दी गई थी। अगर मेरी किसी गलती की वजह से इसे किसी किस्म का नुकसान पहुंचता तो मेरे लिए ये बड़ी नंग की बात थी। एक लम्हे में मैंने ये सोचा और यकलख शदीद किस्म के तासुफ ने मेरे हवास पर बर्फ़ जमा दी। मुझे बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि मैंने ताबिंदा को यहाँ बुलाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने इसे हिफाजत के किला से मौत के मैदान में घसीट लिया है। इस गलती का असाला नामुमकिन था। बहरहाल मैंने फौरी तौर पर यही फैसला किया कि मुझे फ़िलहाल तहम्मुल से काम लेना चाहिए। कुछ वक्त दरकार था, मुझे कुछ देर के लिए संभल कर हालात का जायज़ा लेना था। मौत के इस भयानक जाल से अपनी मोहसना बीवी को निकालने के लिए मुझे किसी मेहरबान लम्हे का इंतज़ार करना था। ताबिंदा मेरे साथ खड़ी थी, मैंने इसका हाथ थाम लिया। इसका बदन कपकपा रहा था, मैंने आहिस्तगी से इसका हाथ दबाया। मैं इसको हौसला देना चाहता था, मैं इसे ये कहना चाहता था कि वो बिल्कुल भी ना घबराए, मैं इसके साथ हूँ, मैं इसकी हिफाजत करूँगा, इसे कोई तकलीफ़ पहुँचने नहीं दूँगा। लेकिन मैंने ज़ुबान से कुछ नहीं कहा। मेरे हाथ के लमस ने मेरा पैगाम इस तक पहुँचा दिया था। मैं इसके बदन की कपकपी दूर होती महसूस कर रहा था। मैं वैन में दाखिल हो गया और मैं ताबिंदा को भी सहारा देकर वैन में दाखिल करा दिया। वैन में दो नशिस्तें आमने सामने वैन के दोनों पहलुओं में मौजूद थीं। एक नशिस्त पर रज़िया एक कोने में तनी बैठी थी। इसके सामने वाली नशिस्त पर हम दोनों बैठ गए तो वो दोनों आदमी भी अंदर आकर रज़िया के साथ सामने वाली सीट पर बैठ गए। वो दोनों करख चेहरों वाले संजीदा किस्म के आदमी दिखाई देते थे। मैंने पहले इन्हें कभी नहीं देखा था। ये इनकी मेरे सामने पहली रोनुमाई थी। वैन हरकत में आ चुकी थी और अब तेज़ी से भाग रही थी। वैन के शीशों पर नीले रंग के पर्दे पड़े हुए थे। कुछ देर साकित बैठे रहने के बाद मैंने तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर थोड़ा सा घुसमुसा कर अपना रुख विंडो स्क्रीन की तरफ फिरा ताकि मालूम कर सकूं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जैसे ही मैंने रुख फिरा वैसे ही सामने बैठे हुए एक आदमी ने फंकारती हुई सनसनाती हुई आवाज़ में कहा, बिला हिस्सो हरकत बैठे रहो, इधर देखने की कोशिश मत करो वरना तुम्हें हमेशा के लिए साकित होना पड़ेगा। इसकी आवाज़ में सच्चाई की बू थी। मुझे साकित हो जाना पड़ा। वो कुछ भी कर सकते थे, वो हमें गोलियां मार कर यहाँ फेंक कर भी जा सकते थे। मुझे अभी कुछ मोहलत दरकार थी, इसी मेहरबान लम्हे का इंतज़ार था। मैंने इसकी हिदायत पर कान धरे और बिला हिस्सो हरकत बैठा रहा। इन दोनों की सूरतों से कमीनगी का इजहार नुमाया था। मुझे अपनी नहीं ताबिंदा की ज़िंदगी दरकार थी। मैं इन्हें किसी कमीनी हरकत का मौका नहीं देना चाहता था। मैंने गहरा सांस लिया और ख़ामोशी से नज़रें झुका कर नीचे थकने लगा। मैं सोच रहा था वो मेहरबान लम्हा कब आएगा, मुझे क्या करना चाहिए, मैं इन पर कैसे काबू पा सकता हूँ, मैं ताबिंदा को इनके चंगुल से निकाल कर कैसे भाग सकता हूँ। मैं अकेला होता तो बेदरेग इनके साथ भिड़ जाता, फिर देखते क्या होता। आर या पार, कुछ तो होना ही था। मुझे अपनी परवाह ही कब थी, लेकिन ताबिंदा मेरे हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई थी। वो मेरी मोहसना थी, मेरी बीवी थी, वो एक नातमाम औरत थी। मौत और ज़िंदगी के खेल इसने कब खेले थे, वो तो एक अमन पसंद शरीफ शहरी थी। इसे मार धाड़ और ढींगा मुश्ती से कब से रुका रहा था। मैंने इसे इस आग में घसीटा था, अब ये मेरा ही फ़र्ज था कि मैं इसे इस मैदान कारेजार से साफ निकाल कर ले जाता, मगर कैसे। मैं इसी अधेड़ बुन में रहा। ताबिंदा मेरे साथ चिपकी बैठी रही। न जाने कितना वक्त गुजर गया। गाड़ी के इंजन की गूंज एक तसलसल के साथ कानों में समाई रही। गाड़ी कितने मोड़ मुड़ी और किस किस जानिब को इसने रुख किया कुछ अंदाज़ा नहीं। फिर जब गाड़ी एक झटके के साथ रुकी और इंजन भी खामोश हो गया तो मैंने जाना कि मैं अपने मुहब्बत तक पहुंच चुका हूं। कितनी बार महफूस हो चुका था, मुझे कुछ याद नहीं रहा था। यह आँख मचोली तो ज़िंदगी भर की थी, लेकिन इस बार कुछ और ही रंग था। इस मरतबा मेरे साथ ताबिंदा थी। मुझे इस खारजार से निकाल कर ज़िंदगी के बाग बहार की तरफ ले जाने का ख्वाब देखने वाली ताबिंदा अब मेरे साथ इस कफस तक आन पहुँची थी। वो दोनों रिवॉल्वर बरदार आदमी पहले नीचे उतरे थे, फिर रज़िया ने मेरी आँखों में आँखें डालकर मुझे नीचे उतरने के लिए कहा। मैं वैन से बाहर आ गया और ताबिंदा को भी सहारा देकर नीचे उतार लिया। आखिर में रज़िया बाहर आई थी। इसके चेहरे से हशम का इजहार नुमाया था। वो जैसे एक बदली हुई औरत थी, जैसे वो मुझे नहीं पहचानती थी। नीचे आते ही इसने मुझे हुक्म दिया कि मैं ताबिंदा से 5 कदम हटकर एक तरफ खड़ा हो जाऊँ। दोनों आदमी रिवॉल्वर हम दोनों पर ताने खड़े थे और यूँ महसूस होता था कि अभी फायर कर देंगे। मैंने बिला छूं चरा रज़िया की हिदायत पर अमल किया और ताबिंदा से 5 कदम हटकर खड़ा हो गया।
तब रज़िया ने इन दोनों में से कोई इशारा किया और साद मुझसे मुखातिब होकर बोली, तलाशी के दौरान अगर तुमने कोई नाजेबा हरकत की तो मैं सबसे पहले ताबिंदा को शूट कर दूंगी। ये कहते हुए इसने अपने बैग में से पिस्तौल निकाल लिया। इसके पिस्तौल का रुख ताबिंदा की तरफ था। जिस शख्स को इसने मेरी तलाशी लेने पर मामूर किया था वो मोहतात अंदाज में मेरी तरफ बढ़ा और मेरे अखम में आकर इसने बड़े माहिराना अंदाज में मेरे सारे लिबास को टटोल कर मेरी तलाशी ले डाली। मेरे पास से इसे कोई हथियार तो नहीं मिला, अलबत्ता रज़िया की अलमारी से निकाली हुई हज़ार हज़ार के नोटों की वो गड्डी इसे मेरी जेब से मिल गई जिसे इसने अपने कब्ज़े में ले लिया। फिर वह महतात अंदाज में चलता हुआ वापस अपनी जगह पर पहुंच गया। अपने साथी के पास पहुँच कर इसने नोटों की गड्डी रज़िया के हवाले कर दी जिसे इसने अपने बैग में रख लिया और फिर वो ताबिंदा की तलाशी लेने में मसरूफ़ हो गई। इस दौरान दोनों रिवॉल्वर बरदार आदमी मुझे अपने निशाने पर लिए रहे। ताबिंदा के पास से भी इसे कोई असलाह नहीं मिल सका था। जाहिर है ताबिंदा अपने लिबास में असलाह छुपा कर नहीं लाई थी, वो तो मेरे पास आई थी और मैंने इसे बड़ी उजलत में तलब किया था। इसे कोई हथियार लेने का ख्याल भी नहीं आया होगा और मैं तो पहले ही रज़िया के कैद खाने से फरार होकर आया था और मुझे ये गुमान भी नहीं था कि वो इतनी जल्दी मेरा ताकुब करती हुई मुझ तक पहुँच जाएगी। बहरहाल वो पहुँच गई थी और अब हम दोनों गैर मुसल्ले हालत में बेबसी के साथ तुम्बाए तकदीर इसी इमारत की पार्किंग लॉट में खड़े थे जो न जाने हमारे मुँह बसने वाली थी या मुक्तल, और हमारे दुश्मन असले से लेस हमारे सिरों पर मुसल्लत हमें अपने नरगे में लिए खड़े थे। फिर सबसे पहले रज़िया ने अपनी जगह से हरकत की। इसने अपना रुख इमारत की तरफ किया और कदम उठा दिए। वो आगे आगे चली तो दोनों मुसल्ले आदमियों के इशारे पर हम दोनों ने भी इसके पीछे कदम बढ़ा दिए। हम एक वसी पौध से दरमियाने दर्जे की एक इमारत की तरफ बढ़ रहे थे। रज़िया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बंगले के बरामदे से गुजर कर सदर दरवाजे से हम इमारत में दाखिल हो गए थे। सामने एक तवील सुनसान रहदरी थी। रहदरी के दोनों अतराफ में आमने सामने थोड़े थोड़े फासले पर दरवाजे थे जो सारे ही बंद थे। आखिरी दरवाजे के सामने पहुँच कर रज़िया रुकी तो हमारे ताकुब में आने वाले आदमियों में से एक ने सर्द आवाज में कहा, रुको। हम रुक गए। रज़िया की ओर हमारे दरमियान चार पाँच कदम का फासला था और वो दोनों असली बरदार हमसे पाँच कदम पीछे थे। रज़िया ने एक चाबी लगाकर दरवाजे का ताला खोला और कमरे में दाखिल हो गई। हमारे निगरानों में से एक ने हमें भी आगे बढ़ने का इशारा किया तो हम दोनों भी इस कमरे में आ गए। सामने रज़िया कमरे की दीवार से लगी खड़ी थी और इसने पिस्तौल तान रखा था। ये पिस्तौल मैंने रास्ते में इसके पास नहीं देखा था। कमरे में दाखिल होने के बाद इसे ज़रूर मुझसे ख़तरा महसूस हुआ होगा कि मैं कोई शरारत कमरे में दाखिल होते हुए करूँगा। पहले मैंने भी ये सोचा था कि कमरे में दाखिल होते ही रज़िया को पकड़ कर ढाल बना लूँगा, लेकिन फिर ताबिंदा का ख्याल आया तो मैंने सोचा कि वो शायद इस सूरत हाल के लिए फौरी तौर पर तैयार न हो सके और बौखलाहट में शायद कोई ऊँची हरकत इन दोनों शिकारियों से कहीं सरजन न हो जाए, इसलिए मैंने अपनी इस ख्याल से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। लेकिन रज़िया ने मुझे किसी किस्म का कोई मौका फराहम न करने की ठान रखी थी। इसे अपनी जानब पिस्तौल ताने देखकर मेरे होंठों पर बेख्तियार एक खफीफ सी मुस्कुराहट फैल गई। मुझे मुस्कुराता देखकर वो भी जहर खन से मुस्कुराई। इसकी मुस्कुराहट में मेरे लिए एक तोहीन अमेज तासुर था। मैं नज़रअंदाज कर गया और इसकी तरफ टिकटिकी बांधे देखता रहा। फिर वो पीछे मुड़कर मुखालिफ सिमत में खुलने वाले एक और दरवाजे से गुजर कर कमरे से बाहर निकल गई। हम भी इसके पीछे थे। अब वो एक और रहदरी से गुजर रही थी जो पहली रहदरी से कम तवील थी। इस रहदरी के आखिर में जीने थे जो नीचे उतरते थे। मैं समझ गया कि हमें किसी तहखाने में ले जाया जा रहा है। मैंने जीनों पर भी खुद को काबू में रखा। 10-12 सीढ़ियाँ नीचे उतर कर रज़िया एक जानब घूम गई। वो दोनों शैतान चंद जीने पीछे हमारे सिरों पर सवार थे। मुझे कोई मौका नहीं मिला। अब हम एक मरतबा फिर एक रहदरी में थे जिसके दोनों अतराफ में भी यकीनन कमरे बने हुए थे जिनके दरवाजे इस रहदरी में खुलते थे। कोई दरवाज़ा हमें खुला हुआ नहीं मिला। चार पांच दरवाज़ों के सामने से गुजरने के बाद रज़िया एक दरवाज़े के सामने रुक गई तो हमें भी ठहरने का हुक्म मिला। हम रुक गए। रज़िया ने दरवाजे के साथ लगे हुए एक बोर्ड पर मौजूद चंद बटनों को एक ख़ास तरतीब के साथ दबाया तो वो दरवाज़ा खुलता चला गया। मैं समझ गया कि यह दरवाज़ा किसी ख़ास मैकेनिज़म के साथ मुंसलिक था जिसे खोलने के लिए इस पर लगे हुए बोर्ड पर मौजूद बटनों को किसी ख़ास तरतीब के साथ दबाना पड़ता था। मैंने देखा दूसरे दरवाजे पर भी इस किस्म के बोर्ड लगे हुए थे। यह इमारत ख़ास थी इस बात का अंदाज़ा मुझे हो चला था। गेट पर मौजूद एक स्याह रंगत और घुटे हुए जिस्म वाले अधेड़ उम्र चौकीदार के अलावा मुझे इमारत में और कोई आदमी नज़र नहीं आया था। मुमकिन है बाकी लोग कमरों के अंदर हों। दरवाज़ा खुला तो रज़िया ने मेरी तरफ़ देख कर कहा, तुम अंदर जाओ। वो दरवाजे से 3-4 कदम पीछे हटकर खड़ी हो गई। वो
और इसके हाथ में दबे हुए पिस्तौल का रुख मेरी जानिब था और वो खासी मुस्तैद नज़र आ रही थी। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।